बीजेपी प्रत्याशी लखनलाल को उनके पैतृक गांव गढ़ी में उनका जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। यहां तक कि गढ़ी गांव में लखनलाल को चांदी का मुकुट पहनाकर, पगड़ी बांधकर, फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर होडल में मैथिल समाज, ब्राह्मण समाज ने स्वागत कर समर्थन दिया। देशल मोहल्ले में उन्हें भरपूर समर्थन मिला तो वाल्मीकि बस्ती पीछे ना रही। उन्होंने ढोल नगाड़े के साथ लखनलाल का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस स्वागत प्रक्रिया को देखकर लखनलाल अपनी जीत निश्चित मान रहे हैं और बढ़त की ओर बढ़ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने वाल्मीकि मोहल्ले में बीजेपी प्रत्याशी लखनलाल ने कहा कि जो भी पक्के कर्मचारी हैं उनके जीतने के बाद पक्का कराने का काम करूंगा और वाल्मीकि समाज का सम्मान हमेशा करता रहूंगा। इस मौके पर बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष जवाहर सिंह सौरोत ने भी वाल्मीकि समाज का धन्यवाद दिया और लखनलाल के लिए वोट की अपील की। इस मौके पर अमित वाल्मीकि, विजय वाल्मीकि, राम प्रसाद वाल्मीकि, धर्मेंद्र वाल्मीकि, वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर सेन समाज व कोली समाज में प्रजापत समाज में भी लखनलाल को समर्थन देकर और एक एक वोट कमल के फूल पर लगाने का आश्वासन दिया है। आज आपने चुनाव प्रचार के दौरान वाल्मीकि बस्ती में आपको पूरा समर्थन मिला है। दूसरी ओर आप गढ़ी में भी चांदी का मुकुट पहनाकर आपका स्वागत किया, वहाँ भी समर्थन दिया गया और इधर आप देशन मोहल्ले में घूम के आए, तो क्या स्थिति है आपकी, कैसा समर्थन मिल रहा है आपको, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी जिसका मैं कार्यकर्ता हूँ उनका बहुत बहुत, अपनी पूरी पार्टी का, अपने जो हमारे नेता गणेश भाई का सभी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे से एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना विश्वास जताया है। उसके बाद सभी हमारे जो हमारे माननीय नेतागण हैं उन सभी आशीर्वाद, इतना जनसंघ बढ़ रहा है। सबसे पहले आज हमारे गढ़ी गांव में स्वागत हुआ, हमारे यादराम पटवारी जी ने स्वागत किया मालाओं से, उसके बाद हमारे डॉक्टर निरंतर हैं उन्होंने स्वागत किया, उसके बाद प्रभुद्याल जी जो हमारे चाचा लगते हैं उन्होंने पंचों को उन्होंने स्वागत किया, उसके बाद हमारे दादा सोमनाथ ने स्वागत किया, उसके बाद एक हमारे मैथिल ब्राह्मण समाज के कुछ घर, कुछ बस्ती है हमारे वहाँ गढ़ी रोड पर, उन्होंने स्वागत किया। उसके बाद आने पर हमारा यहाँ अशोका गार्डन जो उसके पास में हमारे मैथिल समाज के मकान बने हुए, वहाँ पूरे मैथिल समाज ने जोरदार स्वागत किया, पूरे समर्थन के साथ उन्होंने बिल्कुल पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। और उसके बाद सेन समाज ने स्वागत किया हमारा वहाँ जाकर, उसके बाद कई डोर टू डोर किया, डोर टू डोर करने के बाद हम अब फिलहाल वाल्मीकि बस्ती में हैं, जिन्होंने पूरी वाल्मीकि बस्ती ने, मैं तो इनका भगवान जाने इस जन्म में मेरे से कोई आभार इनका कोई मतलब वो उतरेगा कि नहीं है जी उनका एहसान। और उसको आज वाल्मीकि बस्ती ने कैसा समर्थन दिया है? वाल्मीकि बस्ती ने पहले भी पूरी बस्ती ने समर्थन दिया था, आज फिर पूरी बस्ती ने इकट्ठे होकर जो मुझे समर्थन दिया है मैं उसका बारंबार। और आप ऊपर ब्राह्मण समाज में भी गए देशन मोहल्ले में, वहाँ कैसा आपको समर्थन मिला है? ब्राह्मण समाज में देशन मोहल्ले में वहाँ भी पूरे जो दादा है हमारे पूरा उनका आशीर्वाद है, पूरा समर्थन है और उन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था जताई है। पूरा वाल्मीकि जितने समाज हैं हमारे कोली समाज है, मैथिल ब्राह्मण समाज है, प्रजापति समाज है, सेन समाज है, वाल्मीकि समाज है, हमारे सभी समाज पूरा समर्थन उनके